हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज पता है हम आप लोग को क्या पढ़ाऊंगे? गेस कीजिए। हाँ, सही गेस किए, आवाज स्कूल। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी आवाज स्कूल। बच्चों, स्कूल गए बहुत दिन हो गया ना, स्कूल का याद आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि स्कूल में क्या क्या चीज़ होता है और स्कूल किसको कहते हैं। आप लोग शायद स्कूल के विषय में भूल गए होंगे। चलिए स्कूल के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आज चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफिस, लेबोरेटरी, स्टाफ रूम एंड अदर रूम। मतलब ये सारे स्कूल के अंदर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आवर स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग। हमारा जो स्कूल है बहुत बड़ा बिल्डिंग है। आवर स्कूल इज़ लाइक आवर टेम्पल। हमारा स्कूल एक टेम्पल के समान होता है। टेम्पल का मतलब मंदिर। जिस तरह से हम मंदिर में पूजा करते हैं उसी तरह से हमारा स्कूल भी एक मंदिर होता है। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं। वी लर्न देयर मेनी थिंग्स। स्कूल में जा कर के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। देयर आर सेवरल क्लासरूम। स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम होता है। देयर इज़ अ बिग प्लेग्राउंड। और इसमें बड़ा सा एक खेल का मैदान भी होता है जहाँ आप लोग खेलते हो ना, कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन भी खेलते हो ना। यस, आवर स्कूल बीइंग विथ एन असेंबली। और हमारे स्कूल में एक असेंबली होता है, प्रार्थना सभा होता है। इन असेंबली वी प्ले टू गॉड। इस असेंबली में हम लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं। क्लासरूम। इन आवर क्लासरूम there are many benches, a big blackboard and beautiful charts hanging at the wall. हमारे क्लासरूम में बहुत सारे बेंचे होते हैं, डेस्क होते हैं, एक बड़ा सा ब्लैकबोर्ड होता है और सुंदर सुंदर चार्ट दीवार में टंगे होते हैं। There is also a cupboard. इन द कपबोर्ड आवर टीचर्स कीप देयर बुक्स एंड नोटबुक्स। इसके अलावे अलमीरा होते हैं जिस पर हमारे टीचर किताब कॉपी रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। हमारे जो स्कूल होता है उसके हेड होते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हेड मास्टर। He is a separate office. उनका जो ऑफिस होता है अलग होता है। He controls the whole school. वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया स्टाफ रूम। There are many teachers in our school. हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं। Our teachers teach us, जो हमें पढ़ाते हैं। दे टीच अस मैनी सब्जेक्ट। वे लोग बहुत सारे विषयों को पढ़ाते हैं। कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई टीचर मैथ पढ़ाते हैं, कोई टीचर सोशल स्टडी, कोई साइंस, कोई हिंदी। तो बहुत सारे टीचर हुए ना। दे टीच अस अबाउट द वर्ल्ड एंड द न्यू इन्वेंशन। There is a staff room where teachers sit in their free period. और टीचर के लिए एक स्टाफ रूम भी होता है जहाँ पे उनका पीरियड नहीं होता है तो उसमें जा कर के रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। लाइब्रेरी। और स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में एक बड़ा सा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी जहाँ पे किताब रखा जाता है, हम लोग वहाँ जा कर के किताब पढ़ते हैं। वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी।
वी शुड नेवर मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, मतलब जहाँ किताब ही किताब होता है। और लाइब्रेरी में हम लोग को हल्ला नहीं करना चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी, देयर इज अ बिग लेबोरेटरी ऑफ साइंस इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में साइंस का एक बड़ा सा प्रयोगशाला है। अदर रूम, देयर आर मेनी कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत सारा कंप्यूटर भी है। देयर इज एन आर्ट रूम, म्यूजिक रूम एंड अ प्ले रूम टू। और इसके अलावा आर्ट रूम है, म्यूजिक रूम, प्ले रूम आदि आदि है। वी प्ले इंडोर गेम लाइक चेस, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन इटीसी। देयर इज अ बिग कैंटीन इन आवर स्कूल। इसके अलावा हमारे स्कूल में एक बड़ा सा कैंटीन भी है। प्लेग्राउंड, आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड। हमारे स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड, खेल का मैदान है। वी प्ले देयर मेनी गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल इटीसी। मेनी फंक्शन आर आल्सो हेल्ड देयर। हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल जब खेलना होता है तो प्लेग्राउंड में जाके खेलते हैं, खेलते हो ना बच्चों? और जब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ भी प्लेग्राउंड में ही वो फंक्शन किया जाता है। वी मस्ट कीप आवर स्कूल एंड क्लासरूम नीट एंड क्लीन। तो हम लोगों को अपने स्कूल तथा क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। आई लाइक माई स्कूल, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। तो स्कूल किसको कहते हैं, आप लोग क्या समझे? स्कूल किसे कहते हैं? स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी। स्कूल ऐसे स्थान है जहाँ हम लोग स्टडी करने जाते हैं, अध्ययन करते हैं। वी लर्न गुड हैबिट एंड मैनर देयर। हम लोग अच्छी आदतें सीखते हैं। आवर स्कूल हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग। हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा है। इट हैज़ मेनी क्लासरूम, और इसमें बहुत सारे क्लासरूम भी हैं। द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। हमारे स्कूल के जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। देयर इज़ अ कैंटीन इन आवर स्कूल ऑल्सो। इसके अलावा हमारे स्कूल में एक कैंटीन भी है। कैंटीन में हम लोग लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं। उसमें हम लोग को खाने के लिए मिलता है, ठीक है? आशा करती हूँ कि आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे। आवर स्कूल, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।